वैसे जितना इंटरेस्टिंग इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल है उससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है देन इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आप इस वीडियो के फैन के आप मेरी आने वाली और भी वीडियोस के फैन हो जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप GTA 5 जैसा बड़ा गेम अपने स्मार्टफोन में कैसे रन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे किसी को लोकेशन लिख के सेंड करेंगे देन उसकी लोकेशन या फिर बैटरी परसेंटेज आपको पता चल जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके की और भी एंड्रॉइड ट्रिक्स हैं जो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। वेल वीडियो करते स्टार्ट, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से जरूर से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए दें मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर से करें और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे भी प्रेस जरूर से करना, उसे ग्रे कर देना, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर से करना ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का आपको पता चल जाए। वेल वीडियो करते हैं स्टार्ट। वेल एंड्रॉइड के लिए भी ना बहुत कमाल कमाल की एप्लीकेशन है, जैसे कि पहली एप्लीकेशन ले लो, इससे आप किसी की भी लोकेशन को पता कर सकते हैं। वैसे एक छोटी सी कंडीशन है, अगर आप लोकेशन पता करना चाहते हैं देन विक्टम के स्मार्टफोन में आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब जिसकी भी लोकेशन जाननी है उसी के स्मार्टफोन में आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको ओपन करना है, जो भी परमिशन मांगता है अलाउ करने के बाद आपको नीचे क्रिएट पे टैप करना है। क्रिएट पे टैप करने के बाद एक ऐसा मैसेज लिखना है जैसा कि मैंने लोकेशन लिख दिया, देन जब भी मैं लोकेशन लिखूंगा देन सामने वाले की मुझे लोकेशन पता चल जाएगी। बट आपको इतना कॉमन वर्ड यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज अगर और कोई भी उसे लोकेशन लिख के सेंड करेगा देन विक्टम की लोकेशन उसे भी पता चल जाएगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक कोड क्रिएट कर देना है या फिर कुछ ऐसा लिखना है जैसा कोई लिख ही नहीं सकता है सामने वाला कभी कॉमन मैसेज में, वो बट नहीं कर सकता है। तो ऐसा वर्ड लिखने के बाद जस्ट आपको सेव पे टैप कर देना है। अब जब भी आप वो अपना मैसेज टाइप करेंगे जो आपने इसमें लिखा हुआ है तो आपको सामने वाले की लोकेशन पता चल जाएगी। वैसे ये एप्लीकेशन किन लोगों के काम आ सकती है, काफी लोग यूज कर सकते हैं अपने, भैया मुझे पता है अपनी सेटिंग की लोकेशन जानने के लिए, और काफी लोग यूज कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स लोकेशन शेयर करना नहीं जानते हैं देन इस एप्लीकेशन का यूज करना, उनकी लोकेशन आपको पता चलती रहेगी टाइम बाय टाइम। अगर वो नहीं शेयर कर पाते हैं देन इससे आप देखते रहना, बैटरी परसेंटेज भी पता चल जाएगी और लोकेशन भी पता चल जाएगी। वैसे बहुत कमाल की एप्लीकेशन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कौन कौन इसे इंस्टॉल करने वाला है। वैसे हर एक इंसान का अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने का अधिकार है, उसे करना भी चाहिए वरना वो दोस्त नहीं है। तो आपको सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर सकते हैं, और प्रैंक नहीं बहुत तगड़ा प्रैंक कर सकते हैं। वो कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने आप मैसेज टाइप हो रहे हैं और सेंड भी हो रहे हैं, तो इस टाइप से अगर आप भी करना चाहते हैं देन कर सकते हैं, और ये चीज़ यूज़ होती है इंस्टाग्राम के अंदर भी और व्हाट्सएप के अंदर भी, तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपकी ये वर्क में आ जाएगी। तो अब बताता हूँ आपको ये करना कैसे है। तो आपको डाउनलोड करना है ऑटो क्लिकर नाम की एप्लीकेशन को, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो आप पता नहीं कौन सी डाउनलोड कर लें उसके बाद मुझे कमेंट करें कि यार ये वर्क नहीं कर रहा। तो आपको सारी एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहीं से डाउनलोड करना। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जस्ट आपको ओपन पर टैप करना है, ओपन पर टैप करने के बाद प्लस पर टैप करना है, और प्लस पर ऐसे ही टैप नहीं करना है, आपको पहले जाना है उसके मैसेज के अंदर जिसे भी आप मैसेज करके परेशान करना चाहते हैं। एक बार कीबोर्ड आ जाए देन आपको प्लस पे टैप करना है, जैसे मेरा मैसेज है हाय तो मैं इसे जाके एच पे रखूंगा, उसके बाद फिर से प्लस पे टैप करूंगा और आई पे रखूंगा, एक और बार प्लस पे टैप करूंगा फिर से आई पे रखूंगा, और लास्ट वाला जो सेंड करने वाला होगा वो जाके माइक पे रख दूंगा क्योंकि माइक वाले आइकन पे हमारा सेंड वाला बन जाता है, तो इस पे टैप करूंगा, और जो लास्ट वाला सेंडिंग वाला होगा उस पे टैप करके यहाँ पे आपको 300 मिलीसेकंड कर देना है, बस लास्ट वाले में करना है जहाँ पे हम सेंडिंग करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड लाके जस्ट आपको प्ले कर देना है और आपके मैसेज अपने आप टाइप होने लगेंगे, इतनी तेज़ी से टाइप होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगली जो एप्लीकेशन है वो तो हर एक कंटेंट क्रिएटर यूज़ करने वाला है। देखो सभी कंटेंट क्रिएटर को एक चीज़ करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। जब भी वीडियो बनाते हैं कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा होता ही है, इवन मेरे साथ भी ये हो जाता था, जब भी मैं वीडियो बनाता था देन एक ना एक पार्ट ऐसा होता था जो कि मैं भूल जाता था, मैं स्क्रिप्ट को फिर से देखता था और फिर से मुझसे रीटेक करना पड़ता था। और ऐसा ही एक प्रोसेस होता है, जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है वो वीडियो बनाता ही है, उस टाइम पे स्क्रिप्ट को फॉलो करते रहना पड़ता है। क्या हो अगर आपके स्क्रीन पे स्क्रिप्ट लिखी आने लगे देन कितना अच्छा होगा, चल झूठा। ऐसा पॉसिबल है, आपको डाउनलोड करना है बिगबू नाम की एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन है BIGVU, इसे जस्ट आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है, ओपन करते ही आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट लिख लेनी है, जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो आपको टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद जस्ट आपको नीचे वीडियो बनाने वाले आइकन पर टैप कर देना है। अब आपके स्क्रीन पे ना स्क्रिप्ट भी आती रहेगी और आपकी वीडियो भी बनती रहेगी, तो आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट को पढ़ते रह सकते हैं और वीडियो बोलते रह सकते हैं। जहाँ पे आप स्क्रिप्ट को भूल जाएं जस्ट आपको वीडियो को
पॉज करना है, आपको बार बार रीटेक नहीं करना पड़ेगा। और इस चीज़ का यूज़ स्टूडेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी बार क्या होता है, वीडियो वाले असाइनमेंट मिल जाते हैं और वीडियो बना के भेजनी पड़ती है, तो उस टाइम पे भी आपको असाइनमेंट लिख देना है अपनी स्क्रीन पे और उसके बाद वीडियो को बना लेना है। वीडियो बनाते ही आप पूरे असाइनमेंट को एक बार में बोल देंगे और आपके टीचर हैरान हो जाएंगे कि इस बंदे ने बोल कैसे दिया। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला था क्या? वैसे काफ़ी लोग यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए। कमेंट करके बताना आप कैसे यूज़ करने वाले हैं इस एप्लीकेशन को। ये कॉमन मिस्टेक सभी के साथ हो जाती है। काफ़ी बार क्या होता है, हमें रिस्टोर नहीं करना होता फ़ोन को या फिर डिलीट नहीं करना होता है, बट काफ़ी सारी फोटोज़ डिलीट हो जाती हैं गलती से और उस टाइम पे रिग्रेट होता है कि यार क्यों हो गया ऐसा। बट आपको रिग्रेट नहीं करना है, आप हमारी वीडियोस देखते हैं देन ये छोटी मोटी दिक्कत है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करना है डिस्क डिगर नाम की एप्लीकेशन को। इसके दो ऐप हैं, एक है प्रो और एक है नॉन प्रो। नॉन प्रो वाले में आपको एड्स देखने के लिए मिल सकती हैं, तो अगर आपको प्रो वाली एप्लीकेशन चाहिए देन नीचे जाना है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर टैप कर वहाँ से आपको प्रो वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है। प्रो वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे स्कैनिंग होती हुई दिख जाएगी, स्कैनिंग होने देना है। स्कैनिंग होते ही, कंप्लीट होते ही आपके सामने लिखा आएगा कि कितनी मीडिया वहां पे स्कैन हो चुकी है। जो भी फोटोज आपको चाहिए जस्ट आपको वही सेलेक्ट करनी है और नीचे रिस्टोर पे टैप कर देना है। वैसे आपको क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा, बट उसे भी आप अपस्केल कर सकते हैं हमारी दूसरी वीडियो देख के, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे भी देखने के लिए मिल जाएगी, उसे देख के आप किसी भी फोटो को अपस्केल कर सकते हैं। वैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस टाइप की थीमिंग में आपको क्या दिख रहा है, कि ऐसा लग रहा होगा कि आप हैकिंग कर रहे हैं या फिर आपके फ़ोन में हैकिंग हो रही है, और सामने वाले को भी यही लगेगा अगर आप अपने फ़ोन में इस थीम को अप्लाई कर लेते हैं। वेल, इस टाइप का लुक अगर आप भी करना चाहते हैं अपने फ़ोन का देन कर सकते हैं। और जो हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें तो ज़रूर से पसंद आएगी, और जिन्हें नहीं भी पसंद आए एक बार करके देखना, आपके फ्रेंड आपसे ज़रूर से पूछेंगे। वैल, ये करना कैसे, आपको डाउनलोड करनी है साइबर बैंक थीम, जिसे आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। और वहाँ से आपको नोवा लॉन्चर भी मिल जाएगा और KLWP, ये तीन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी इस लुक को पूरा कंप्लीट करने के लिए। आपको क्या करना है, नोवा लॉन्चर पर टैप करना है और उसके होम स्क्रीन पे आ जाना है। फिर वहाँ पे आपको जितने भी आइकन दिख रहे होंगे उन सभी को हटा देना है। आपको जाना है लाइव वॉलपेपर वाले ऑप्शन में और वहाँ से सेलेक्ट करना है KLWP और उसे कर लेना है सेट एज वॉलपेपर। अब आपको क्या करना है, KLWP एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको दिखने लगेगी साइबरपंक की थीम, क्योंकि आपने साइबरपंक वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है तो KLWP के अंदर अपने आप आ जाएगी। फिर साइबरपंक की तीन थीम है, उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको नीचे होम स्क्रीन पे सेट कर देना है। होम स्क्रीन पे सेट करते ही आपके फ़ोन का लुक चेंज हो जाएगा और आपका फ़ोन भी ऐसा लगने लगेगा जैसे आप हैकिंग कर रहे हैं या फिर कोडिंग वगैरह कर रहे हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आप अपने स्मार्टफोन में GTA 5 को खेल सकते हैं। वैसे ये एक इतनी बड़ी एप्लीकेशन है जिसे आप डायरेक्टली इंस्टॉल तो नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपको क्लाउड गेमिंग के बारे में पता है देन उसी का यूज़ करके हम इस गेम को प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ फीफा के जितने भी बड़े बड़े गेम्स हैं उन्हें भी आप क्लाउड गेमिंग के थ्रू चला सकते हैं। बट क्लाउड गेमिंग की बात करें तो जितने भी एप्लीकेशन है क्लाउड गेमिंग जो प्रोवाइड कराती हैं वो सारी ही पेड रहती हैं। बट एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है चिकी, इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है और साइनअप कर लेना अपने Google ID से। Google ID से साइनअप करने के बाद वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको GTA 5, साइबरपंक और फीफा के जितने भी बड़े बड़े गेम्स हैं वो सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उनमें से जिस भी गेम को आपको प्ले करना है उस पर टैप करना है और वहाँ पे होगी एक वेटिंग लिस्ट। जैसे कि मैंने कहा ये फ्री में आपको गेम को प्ले करके दिखा देता है, तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है। आपसे पहले जितने भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो भी वेटिंग लिस्ट में रहते हैं और एक एक करके सभी गेम खेलते हैं। देखो, बेस्ट वे है इसमें GTA 5 को चलाने का कि आप रात में ट्राई करें। रात में वेटिंग लिस्ट बहुत ही कम होती है और आपका एक बार में नंबर आ जाएगा। जैसे कि मैंने रात में ओपन करा था तो मेरा गेम एक बार में प्ले हो गया था। मैंने बहुत सारे मिशन करे, 30 मिनट्स ये चला और बहुत मज़ा आया मुझे, और इस बीच मैंने काफ़ी सारे मिशंस कंप्लीट कर लिए थे। वैसे आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराता देन वो भी कर देना, आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।